इंटरेस्टिंग है। जब मेरे दादाजी का डेथ हुआ था, मतलब मेरे दादाजी नहीं है ऑफकोर्स, जब उनका डेथ हुआ था तो घर में अंगूर ही अंगूर था। वो इसलिए था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड या अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 और मैं निकल रही थी बाहर कुछ काम से, और बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, तो सोचा आज थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ। बिकॉज मेरा फर्स्ट सेम का एग्जाम चल रहा है जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही। सो या लेट्स गो, आई थिंक बकवास ज़्यादा हो गया। पहले मेरे को मिलेगा एक कूलर दिला दे, गर्मी आ रही है, और एसी भी। कोई बात नहीं, चल अभी मैं चिकन खिला दूँ, वो बहुत है। बहुत दिन बाद बाहर निकली हूँ, सच में अच्छा लग रहा। जैसा लग रहा है कि लाइफ में पहली बार दुनिया देखा है। अभी बस पैदा हुई हूँ, ऐसे तुरंत आँख खुला है। मेरे को लगा ग्रीन वाले लेज में मैं प्रमोशन कर दे रही। तू भी क्रीम रोल खाएगा? मेरे में मत लेना फिर। टेस्टी है, मीठा भी है। और मुझे अंगूर से एक स्टोरी याद आ गया, तो मैं सुनाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मेरे दादाजी का डेथ हुआ था, मतलब मेरे दादाजी नहीं है ऑफकोर्स, जब उनका डेथ हुआ था तो घर में अंगूर ही अंगूर था। वो इसलिए था बिकॉज जब मेरे दादाजी बीमार थे ना, उनकी एज रही होगी करीबन करीबन 90+। तो जब मेरे दादाजी बीमार थे, जब वो मरने वाले थे, तो उनको कुछ नहीं खाना होता था। बस वो बोलते थे मुझे अंगूर खाना है, मुझे अंगूर खाना है, मुझे अंगूर खाना है। तो उनसे जो भी मिलने आता था उनके लिए अंगूर लेकर ही आता था। तो वो तो मर गए, लेकिन अंगूर ढेर सारा रूम में था। बता रही ठीक है, जो भी था यार स्टोरी था, फनी नहीं था, बहुत अजीब था। बट हाँ, वो जब वो मर रहे थे तो वो अंगूर खाने को ही मांग रहे थे, इतना मुझे याद है। मैं भी छोटी थी, मैं क्लास 8 में थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, जिसका कि मैंने भिंडी कट करके रख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी साइज रखी है भिंडी की। एक भिंडी में मैंने 3 कट कराया, और बहुत ही छोटी भिंडी है तो आप 2 कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज टमाटर कट करके रख लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज प्याज कट करे हैं, और ये है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। अभी अपन वीडियो शुरू करते हैं। सो भिंडी में सबसे पहले हम मिलाएंगे थोड़ा बेसन और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर। सो अभी मैं इसमें मिक्स कर रही 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, बट मैं कश्मीरी मिर्च सीधे ग्रेवी में ही ऐड करूँगी। बस इतना करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरे को भिंडी काटे हुए थोड़ा टाइम हो गया है, इसलिए भिंडी में ये लग नहीं पा रहा बेसन, तो हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। सो गाइज, हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, जिसमें किसी हल्का सा हम उसको रोस्ट कर सके। और कढ़ाई चढ़ाया नहीं है, मेरा कढ़ाई जल भी गया है। बस ऑयल थोड़े टाइम में गर्म हो जाएगा, फिर हम उसमें ये पूरी भिंडी डाल देंगे। भिंडी पे अच्छे से बेसन लग चुका है। हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि ऊपर से थोड़ा कुरकुरा हो जाए। मैं भिंडी को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, और मुझे इसको फ्राई करते हुए करीबन 5 मिनट हुआ होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ये साइड से क्रंची होने लगा है। तो अभी हम इसको 5 मिनट और फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ऊपर का इसका पूरा पार्ट क्रंची हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और
इस भिंडी को निकाल करके एक अलग प्लेट में रख लेंगे। देखिए कितने अच्छे से भिंडी फ्राई हुई है। गाइस मैंने यहाँ दोबारा से कुकर चढ़ा दिया है और अभी अपन इसमें डालेंगे ऑयल। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा और जीरा को थोड़ा रेड होने देंगे। उसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही इसको हम 30 सेकेंड तक फ्राई करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा रेड नहीं हो जाता। प्याज पतला हो सके उतना पतला काटे, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि बहुत ही इजी रेसिपी है। कॉज जो लोग बाहर रहते हैं जिनके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, जो कि नहीं ग्राइंड कर सकते, तो वो इस तरीके से पतला पतला काट ले और ये गल जाता है और बहुत ही स्मूथ इसका ग्रेवी बनता है। अभी अपन इसमें ऐड करेंगे टमाटर। आपके पास मिक्सी हो तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, वो और ईजी होगा, नहीं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अच्छे से इसमें गल जाता है क्योंकि इसको बहुत ही छोटे छोटे तरीके से मैंने कट कर रखा है। और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाला। ये इसमें थोड़ा सा जाएगा मीट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तीखा खाना हो, प्लस हल्दी पकाएंगे। और सारे मसाले हो, टमाटर हो, प्याज हो, सबको ही हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, जिससे कि जले ना और अच्छे से गल जाए। और अगर आप चाहें तो बस इतने के बाद आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, 4 से 5 बड़ी चम्मच, उससे टेस्ट और इनहेंस होता है। बट मेरे पास अभी फिलहाल में दही है नहीं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और अगर आप दही ऐड करते हो तो इसमें दही डाल करके 5 मिनट पकाओ, देन उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, देन पानी डालो और ग्रेवी बनाओ। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसमें डालेंगे ये भिंडी जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा मसाला भिंडी बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप भी अपने घर पर ट्राई करना बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो दैट्स इट, अभी मैं जा